नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिवराज आज करेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ। 4.75 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गए परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा। योजना से 4,75,000 से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। राज्य शासन ने योजना के हितग्राहियों के चयन करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। हितग्राहियों से 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 17 सितंबर को सुबह 10 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण समस्त जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के गरीब परिवारों को सस्ते और सुरक्षित आवास का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा, रोटी कपड़ा के बाद सबसे बड़ी जरूरत मकान की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए है जो किसी भी सरकारी योजना से मकान नहीं पा पाए हैं या उनके पास पक्का मकान नहीं है। इस योजना के अंतर्गत परिवार की मासिक आमदनी 12,000 रुपए प्रति माह से कम होनी चाहिए। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास सिर्फ 2.5 एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित जमीन है। इसके अलावा जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है वे इस योजना के लिए अपात्र होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने अभी जाहिर किया कि पहले लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाए गए हैं और अब इस नई योजना के तहत हर गांव में भी फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसके साथ ही वह इस योजना को शहरों के लिए भी लाने का आदान प्रदान कर रहे हैं जिससे शहरी क्षेत्रों में भी गरीब परिवारों को सस्ता और सुरक्षित आवास मिल सके। मुख्यमंत्री चौहान की इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों को घर दिलाना है ताकि वे भी आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन बिता सके। यह योजना गरीबी को कम करने और गरीब परिवारों को बेहतर जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही यह योजना मुख्यमंत्री चौहान की प्रशासनिक कुशलता और सोचने का तरीका भी प्रकट करती है जिनका उद्देश्य है गरीब और असमर्थ वर्गों को सहायता पहुंचाना और मध्य प्रदेश को सामाजिक सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाना। इस पहल के बाद आशा है कि और भी ऐसी योजनाएं शुरू की जाएंगी जो गरीबों के लिए बेहतर जीवन की सीधी राह हो सकती हैं और जो मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।